नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा ठाकुर। खबर दिल्ली से, जहां नंगी आंखों से नीला आसमान देखने के कारण नील नाम के एक लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। खबर है कि नील एक पुल पर गाड़ी रोककर आसमान के पीछे नीले रंग की एक चीज देखने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। अधिक बातचीत के लिए महबूबा कुल्फी हमारे साथ जुड़ी है। हीरा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नील नाम का ये युवक सुबह घर से ऑफिस जा रहा था, तभी उसे बादलों के पीछे नीले रंग की एक चीज दिखाई दी। उसे देखकर नील इतना उत्सुक हुआ कि वो नंगी आंखों से एक टक देखने लगा। लगातार 30 सेकंड तक नीले आसमान को देखते रहने के बाद उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, कान से धुआं निकलने लगा। नीले आसमान को एक टक देखने के कारण नील का चेहरा एकदम नीला पड़ गया। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और तब से बेहोशी में यही बड़बड़ा रहा है, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। देखिए, हमारी दिल्ली वालों को सलाह है कि जब तक ये नीले आसमान का खतरा टल नहीं जाता, वो वेल्डिंग वाला चश्मा पहनकर घूमे। और अगर नीला आसमान देखने का ज्यादा ही मन हो तो सीधा आसमान देखने की बजाय या तो उसे शीशे में देखें या फिर बाल्टी के पानी में उसकी परछाई देखें। इस बीच दिल्ली की हवा में खतरनाक PM 2.5 की मात्रा घटने से दिल्ली वालों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। ऐसे बहुत से लोगों को आज अस्पताल में भर्ती कराया गया जिन्हें दिल्ली की हवा अचानक साफ होने के कारण सांस लेने में दिक्कत आने लगी। गंभीर हालत में भर्ती ऐसे लोगों को नेबुलाइजर दिया गया, एंटीबायोटिक दिए गए, ऑक्सीजन लगाई गई, तब भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार उन्हें ट्रक के नीचे लेटाकर आधा घंटा डीजल का धुआं सुंघाया गया, तब जाकर वो होश में। मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को हिदायत दी है कि जब तक दिल्ली का मौसम खराब नहीं हो जाता वो घरों से ना निकलें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को परेशान कर रही साफ हवा के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार बताया है। हगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हगेंद्र, हीरा, केजरीवाल जी का कहना है कि हाल में यूपी बिहार में जो मॉनसून सक्रिय हुआ है उसकी वजह से चलने वाली तेज हवाओं ने दिल्ली का मौसम भी साफ कर दिया है, जिसके कारण दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं। केजरीवाल जी ने फिर दोहराया है, चाहे लोग हों या हवाएं, दिल्ली वाले हमेशा बाहरी की मार झेलते हैं। तो क्या उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाया? हीरा, केजरीवाल जी का कहना है कि जिस तरह लोग साफ हवा के लिए पहाड़ों की सैर करने जाते हैं, उसी तरह साफ हवा से परेशान दिल्ली वालों को हम दिल्ली में बने कचरे के पहाड़ों की सैर कराएंगे। इसके लिए कचरे के पहाड़ तक मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिसके तहत लोगों को उनके घरों की छत से पिक करके कचरे के पहाड़ के ऊपर ड्रॉप किया जाएगा और पहाड़ के ऊपर से नीला आसमान देखकर उनकी आंखें ना खराब हो जाएं, इसके लिए काले चश्मे भी दिल्ली सरकार ही बांटेगी। देश को आजाद करा के हमें छोड़ के अनाज बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही है, सब बेकार होता जा रहे हैं। बाबू तो कहाँ चले गए?